आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएसई क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस समय जो लेटेस्ट अपडेट है कि सीआईएसई के द्वारा देश भर के सभी आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूलों को संभवतः भेज दिए गए यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर। यहाँ पर मैंने वर्ड संभवतः इसलिए यूज किया है क्योंकि मेरे स्कूल में तो चले आए हैं, बहुत सारे स्कूलों में भी चले आए हैं। यह यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर के करेक्शन को लेकर है कि स्टूडेंट के यूनिक आईडी सही है, इंडेक्स नंबर सही है, उनके पेरेंट्स के नाम सही है, स्टूडेंट के नाम का स्पेलिंग सही है, अन्य सारे करेक्शन जो बहुत पहले हो चुके थे रिकन्फर्म करने के लिए स्कूलों ने कहा। अब इसको सीआईएसई ने भेजा है कि नहीं भेजा है यह कन्फर्म तो 100% से नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रिंसिपल इस बात को तो थोड़े दिखला देंगे, लेकिन यह प्रोसेस किया गया आईएससी क्लास 12 के लिए और आईसीएसई क्लास 10 के लिए भी कहा गया कि आप इसको ऑब्जर्व करके देख लीजिए, चूंकि आप पिछले 4 सालों से इस काम को करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट को इस समय सलाह दिया जाता है कि प्री बोर्ड के दौरान, मेरे स्कूल में प्री बोर्ड हो रहे हैं, तो प्री बोर्ड के दौरान आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट के यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर के करेक्शन करने हैं। सेकंड पॉइंट कि स्टूडेंट के लिए जो 75% अटेंडेंस का मसला है इसको लेकर यह कहा गया है कि इसको किसी तरह से एडजस्ट कर लिया जाए, मतलब कि अटेंडेंस को लेकर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन स्कूलों का कहना है कि वे अटेंडेंस को लेकर स्कूलों से जिस तरह के प्रोसीजर होते हैं उसके हिसाब से आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जो स्पेशल क्लासेस चलेंगे उस दौरान एकोमोडेट किए जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट को यहाँ भी एक रियायत होने वाली है कि अगर उनके अटेंडेंस कम है या फिर अटेंडेंस 9 के बराबर है, मतलब कहने का अर्थ है कि 60% 70% है, 50% से कम होने के कंडीशन में स्कूलों को सीआईएसई को यह बताना होगा कि ये स्टूडेंट का अटेंडेंस कम कैसे और बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग कैसे ले रहा है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के मेडिकल सर्टिफिकेट या जो कोई भी कंसर्न और जेन्यून लॉजिकल एंड रीजनेबल फैक्ट्स हैं वही जाने होंगे और ये फैक्ट स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स की ओर से प्रेजेंट करने होंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह सामने आ रहा है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स अगर स्टूडेंट किसी के कम आते हैं, मान लिया जाए 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं हमारे स्कूल में तो आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 होंगे, अगर किसी एक में स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं तो दूसरे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में उसी स्टूडेंट के मार्क्स को फिर से इम्प्रूव करने के मौके दिए जाएंगे। बावजूद इसके अगर स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं तो यह स्कूलों को राइट दे दिया गया है सीआईएसई के द्वारा, या स्कूल जो डिटरमाइंड है अपने मीटिंग में टीचर को, एग्जामिनर को, इवेल्युएटर को, जो बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़े हुए उन सबको यह कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स जो 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद भी इम्प्रूव नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज और एग्जामिनेशन दोनों चलाए जाएंगे और यह जनवरी से फरवरी तक होंगे, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो डेट शीट है आईएससी के लिए 13th of February तो यहाँ पर हो जाएंगे कि 7th से 8th of February तक, और वहीं पर आईसीएसई क्लास 10th के लिए तो यह 20th of February तक, वहां तक स्टूडेंट को कन्फर्म रूप से यह देखना और साबित करना होगा कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पास करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि सीआईएसई रोकने के लिए किसी को नहीं कर रहा, लेकिन स्कूलों की अपनी एक गरिमा है और स्कूल नहीं चाहते कि उनके स्कूल के एग्जामिनेशन के रिजल्ट खराब है, परफॉर्मेंस वेस्ट 2019-20, 2021-22 को गौर किया जाएगा। अब यह एक अलग फैक्ट है और एक अलग थ्योरी आएगा, तो यहाँ पर उतने बड़े थ्योरी में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन यह जो लेटेस्ट सीआईएसई अपडेट है वह बता रहा है कि स्टूडेंट को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर भी नहीं रोका जाएगा, उन्हें मौके दिए जाएंगे और अटेंडेंस कम होने के कंडीशन में कई सारे कंडीशनल प्रोविजन है। अब उन कंडीशनल प्रोविजन के बीच यदि आप आईएससी के स्टूडेंट हैं तो इस 61 सैंपल पेपर को परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इतने लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके